नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की भूगोल और पांचवा अध्याय है जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है और वन्य प्राणियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। जैसा कि नाम मैं आपको बता चुका हूँ, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो स्टार्ट करेंगे कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ नॉलेज के बाद जो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको इस चैप्टर को शुरू होने से पहले पता होनी चाहिए कि भारत एक विशाल देश है, ये तो हम सबको पता है। और इस विशाल देश में, इस बड़े देश में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। आपको पौधा पता होगा, लगभग 47,000 तरीके की जातियाँ हैं यहाँ पर हमारे देश में पौधों की, और लगभग 15,000 तरीके के फूल के पौधे हैं। और इस देश में बहुत सारे फूल जो है, मतलब जो पौधे हैं वो बिना फूल के भी हैं, फूल के पौधे भी मौजूद हैं और बिना फूल के पौधे भी देश में मौजूद हैं। तो ये एक जानकारी की बात थी। और भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं, 90,000 अलग अलग जाति प्रजाति के जानवर भारत में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, ताजे पानी में भी और समुद्री पानी में भी। और जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय हैं, जो वनस्पति का मतलब वही पेड़ पौधे हमारे, जो मतलब वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय हैं, मतलब जो भारत में ही उगते हैं, उन्हें देशज कहा जाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे भारत के अंदर ही उगते हैं देशज, और जो पौधे भारत के बाहर से लाए जाते हैं, बहुत सारे फूल के पौधे हैं जो बाहर से लाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनको क्या कहा जाता है, विदेशज। जो भारत के पेड़ पौधे हैं वो देशज हैं, जो दूसरे देश से लाए जाते हैं वो विदेशज। तो ये आपको फैक्ट्स की बातें बताई। अब हम पेड़ पौधों के बारे में इस चैप्टर में और जानवरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक वनस्पति। आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो, या मतलब जो है वो जैसे भी विकसित हो, उगे, उसको लंबे समय तक उस पर कोई मनुष्य का प्रभाव ना पड़े, वो प्राकृतिक वनस्पति है। सिंपल भाषा में प्राकृतिक वनस्पति हमारे पेड़ पौधे होते हैं। और प्राकृतिक अगर इसमें जुड़, अगर वनस्पति सिर्फ शब्द की बात की जाए तो वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, उसके आगे प्राकृतिक जब जोड़ दिया जाता है तो नेचुरल इसका मतलब हो जाता है प्राकृतिक। तो नेचुरल पेड़ पौधे क्या होते हैं, जिनको मनुष्य नहीं उगाता वो अपने आप उग जाते हैं। जैसे हमारे जंगल होते हैं, जंगलों को मनुष्य नहीं उगाता, जंगल खुद उगते हैं, उनके अंदर जो पेड़ होते हैं वो खुद उगते हैं। तो ऐसे ही प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है, ऐसे पेड़ पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के अपने आप पैदा होते हैं या विकसित होते हैं। ठीक है, और वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में जो ये इतनी जातियाँ प्रजातियाँ, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, ठीक है, और ये सब अलग अलग क्यों पाए जाते हैं, इनका क्या कारण है, कुछ कारण निम्नलिखित हैं। आपके सामने ये हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इनको मैं अच्छे से अंदर बताने वाला हूँ। ये पांच चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, बहुत सारे जानवरों की जातियाँ होती हैं, इन पांच कारणों की वजह से ही। ठीक है, पहला है भूभाग, दूसरा है मृदा जिसको मिट्टी भी कहते हैं, तीसरा है तापमान टेम्परेचर, चौथा है सूर्य का प्रकाश जो सूर्य की रोशनी होती है, और पांचवा है वर्षण मतलब बारिश। तो इन पांच चीज़ों की वजह से ही अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के जंगल होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम समझेंगे आखिर इनकी वजह से क्यों पेड़ पौधे अलग अलग पाए जाते हैं। अगर मैंने अभी आपको बताया ना 47,000 तरीके के ये होते हैं वो होते हैं, वो सब अलग अलग क्यों होते हैं, उनका कारण क्या है, उनका कारण यही पांच चीज़ें हैं। अब आपको समझ में आया होगा। तो पहली जो चीज़ है, जो पहला कारण है, वो है भूभाग। भूभाग मतलब भूमि का हिस्सा। भूमि जो है वो वनस्पति पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। भूमि जो हमारी जमीन होती है वो वनस्पति मतलब पेड़ पौधों पर, जो हमारी जमीन होती है वो पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो जो हमारी जमीन होती है वो हमारे पेड़ पौधों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उसको इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है, क्योंकि जो उपजाऊ भूमि होती है उस पर हमेशा कृषि की जाती है, और ऊबड़ खाबड़ जो जो हमेशा भूमि होती है वहाँ पर क्या होता है, जंगल होते हैं या घास के मैदान होते हैं, वहीं जो उपजाऊ भूमि होती है वहाँ हमेशा खेती की जाती है, और जंगल वगैरह जो होते हैं वहीं पर जो है वो वहाँ पर वन्य प्राणी रहते हैं, जंगली। अब खेतों में तो जानवर रहते नहीं, सारे जानवर कहाँ रहते हैं, जंगलों में। तो ये इसका क्या कारण हुआ, वहाँ की भूमि, अगर भूमि उपजाऊ है तो वहाँ खेती होगी, वहाँ जंगल जानवर नहीं होंगे, और अगर भूमि उबड़ खाबड़ है तो वहाँ जंगल होंगे और घास के मैदान होंगे। समझ में आ गया। दूसरा है मृदा, मिट्टी। मिट्टी की वजह से भी इतनी सब चीज़ें होती हैं। कैसे,
क्योंकि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। जैसे आपको पता है हर जगह एक जैसी मिट्टी तो नहीं पाई जाती, कहीं जो कहीं काली मिट्टी होती है ठीक है, तो कहीं उपजाऊ मिट्टी होती है, तो हर जगह अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। अब राजस्थान में आप जाते हो तो वहां पर रेत ही रेत होती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति का आधार होती है, मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों के लिए जो जिम्मेदार होती है वो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे जो रेगिस्तान, जो हम जिसको मरुस्थल कहते हैं, जो रेगिस्तान है वहां पर हमेशा कंटीली झाड़ियां होंगी, वहां की मिट्टी में हमेशा कांटे उगेंगे, कांटे वाली जो झाड़ियां होती हैं वहां पर कभी भी, वहां की जो मतलब वहां पर बड़े हरे भरे वहां पेड़ नहीं उगेंगे। जो राजस्थान की एरिया की अगर बात की जाए, जैसे राजस्थान में हमारा रेगिस्तानी इलाका है, वहां कभी बहुत ज्यादा गहरे जंगल नहीं उग पाएंगे। वहां पर वहां की मिट्टी बलुई मिट्टी है, वहां की जो बारीक मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, वहां हमेशा कांटे और झाड़ियां ही उगेंगी। और जो नदियों के डेल्टा के क्षेत्र होते हैं ठीक है, जहाँ नदियाँ खत्म होती हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा नमी होती है उस एरिया में, इसके कारण वहाँ की जमीन उपजाऊ होती है और वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े जंगल वहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है। तो मृदा दूसरा कारण। तीसरा कारण है तापमान, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है ये भी कारण है एक, इतनी अलग अलग जो ये विविधता है, जो अलग अलग चीज़ें हैं इनका। कैसे? हिमालय पर्वत की ढलानों, जो हिमालय पर्वत की जो ढलान है, तथा प्रायद्वीपीय की पहाड़ियों, जो प्रायद्वीप की पहाड़ियाँ, जो हमारा नीचे वी का हिस्सा है ठीक है, भारत का वी आकार का त्रिकोण हिस्सा, ये प्रायद्वीप की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट आती है। जब हम 915 मीटर से ऊपर जाने लगते हैं तो वो पर्वत और ऊंचे, जब हम पर्वतों से ऊपर ऊपर जाने लगते हैं तो ऊंचाई के साथ तापमान कम होने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है, और इसके कारण जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको बहुत, जो हमारे जो जंगल होते हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण, अल्पाइन ठीक है, ये भागों में भाग, ये इनको बांटा गया है ऊंचाई के हिसाब से ठीक है। जितना ऊपर ये चलते जाएंगे उतना तापमान कम होता जाएगा और पेड़ पौधों की प्रजातियां बदलती जाएंगी तापमान के कारण ठीक है। चौथा है कारण सूर्य का प्रकाश, जो सन होता है, सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश होता है, प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। जहाँ प्रकाश अच्छी मात्रा में मिलता है पेड़ पौधों को, वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो गर्मी के सीजन में अच्छे से बढ़ने लगते हैं ठीक है। तो ये चौथा कारण था। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वर्षण। जब बारिश नहीं होगी तो पेड़ वहां पर नहीं उग सकते, जंगल नहीं हो सकते। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां पर बहुत बारिश होती है वहां पर हमेशा घने जंगल और घने जो, और जो मतलब बड़े बड़े पेड़ और घने जंगल वहां पर पाए जाते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है। तो ये पांच कारण थे जो मैंने आपको बताए, जिनके कारण ये अलग अलग चीजें जो है पाई जाती हैं, ये मैंने आपको बताया। आगे अब चलेंगे वनस्पति के प्रकार, पेड़ पौधे जंगल, इनके प्रकार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार के आखिर ये हमारे जंगल होते हैं ठीक है। वन जंगल जिसे हम कहते हैं, तो पहला जो जंगल है उसका प्रकार वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इसे हम सदाबहार वन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत गहरे घने जंगल होते हैं, और इनकी विशेषताएं आपको याद रखनी होती हैं। पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इनकी विशेषताएं पूछी जाएंगी आपसे, तो आपको पता होना चाहिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनकी क्या विशेषता है। तो ये वन जो, ये जंगल है, ये पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो हमारा पश्चिमी घाट है, जैसे हमारा ये इंडिया है, नीचे का हिस्सा है जो ये वाला नीचे का, इसमें जो पश्चिम साइड है, लेफ्ट साइड, ये वाली, इस एरिया में जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं, और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, और तमिलनाडु के आसपास पाए जाते हैं। समझ में आ गया लोकेशन आपको इसकी जो मैंने बताई। और ये वन जो, ये जंगल है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है ठीक है। बारिश का सिस्टम आप पिछले चैप्टर में समझ चुके हो, मैंने आपको अच्छे से बताया मानसून वगैरह। तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है ये जो जंगल होते हैं हमेशा वहीं पर होते हैं, और उसके साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती हो। ये जंगल कहाँ पाए जाते हैं? दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो उस जगह पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए हर साल, और वहां पर थोड़े समय के लिए थोड़ा गर्म मौसम भी आना चाहिए, गर्म नहीं तो सूखा मौसम जिसे हम कहते हैं शुष्क मौसम ठीक है। और इन वनों में, ये जो जंगल होते हैं, इसमें 60 मीटर तक की ऊंचाई वाले पेड़ पाए जाते हैं, 60 मीटर या थोड़ा इससे ऊपर तक ठीक है, ये इसकी विशेषता। और दिखने में कुछ ऐसे होते हैं ये, जो अंदर से अगर जंगल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ेंगे और इनकी विशेषताएं देखते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, मैंने आपको बताया ये कहाँ पर होते हैं, किस क्षेत्र में होते हैं, जो हमेशा
जो पूरे साल मतलब आर्द्र मतलब नमी वाले रहते हो, बारिश वगैरह होती रहती हो, और मतलब गर्म भी थोड़े रहते हो, शुष्क मौसम भी हो, इसलिए यहाँ हर प्रकार के वनस्पति पाई जाती है। मतलब यहाँ पर इस जंगल में लगभग हर प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़, झाड़ियाँ, लताएं और मतलब पतझड़ होने का समय इनमें कोई निश्चित नहीं होता, आपको ये बता दूं। इसके पत्ते हमेशा पूरे साल हरे भरे रहते हैं, पूरे पेड़ हरे भरे रहते हैं, कोई यहाँ पर पत्ते वत्ते इसके नहीं गिरते, और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे इन जंगलों में पाए जाते हैं। और इन जंगलों में जो मेन मेन जो पेड़ पाए जाते हैं जिनका व्यापार के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो हैं आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना। ठीक है, नाम याद करने में थोड़ी सी कठिनाई आपको होगी, लेकिन आप अगर 2 से 4 बार वीडियो को देखेंगे आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे। आगे है, अब इन जंगलों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी, बंदर, लंगूर, एक सिंग वाला गैंडा, लेमूर और हिरण। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा प्रकार है जंगलों का वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्ण का मतलब होता है पत्ता, पाती मतलब पर्णपाती, जो पत्ते भी अपने गिराते हो। ठीक है, तो पर्णपाती वन है ये, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। भारत में अगर सबसे ज्यादा जो मतलब जो है हमारे जंगल वो इसी प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, नाम याद रखना, मानसूनी वन भी इन्हें कहा जाता है। ये वन वहां पाए जाते हैं, ये जो जंगल होते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा होती हो। ऐसे इलाके जहां 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक हर साल बारिश होती है, ये जंगल वहां पर पाए जाते हैं, सिंपल सी बात। और इन पेड़ों में जो ये इन जंगलों में जो पेड़ होते हैं, शुष्क ग्रीष्म ऋतु में जब सूखी हमारी गर्म ऋतु आती है, जहां पर हवा में नमी की मात्रा कम होती है, मतलब कहने का ये है जब गर्मियाँ होती हैं, तो ये 6 से लेकर 8 हफ्तों के लिए अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था कोई पत्ती नहीं गिराते वो वाले, लेकिन ये पर्णपाती वन है ये अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। बात की जाए पर्णपाती वनों की, तो इनको 2 भागों में बांटा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं पर्णपाती वन, आप ऐसा समझ लीजिए कि इनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो पर्णपाती वन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक है आर्द्र पर्णपाती वन, एक है शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र का मतलब होता है गीला, नमी, शुष्क का मतलब होता है सूखा। तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आर्द्र का मतलब गीला होता है, गीले का उल्टा हमेशा सूखा होगा। तो अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि आर्द्र पर्णपाती वन कैसे होते हैं और शुष्क पर्णपाती वन कैसे होते हैं। पहले तो आप ये फोटो देखिए, आप इस फोटो को देखकर आप समझ पाएंगे कि पर्णपाती वन दिखने में कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इनका लुक होता है। आगे चलेंगे, अब बात की जाए आर्द्र पर्णपाती वन की, जो गीले वाले होते हैं, जो गीले इलाकों में होते हैं जहां पर मतलब बारिश ज्यादा होती होगी, तो ये जंगल ऐसे इलाकों में होते हैं जहां पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक हर साल बारिश होती हो। और ऐसे इलाके कौन से हैं हमारे भारत में? उत्तर पूर्वी राज्य हैं, बहुत बारिश होती है, हिमालय का गिरिपथ है, झारखंड है, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल, ये कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर 200 से 100 तक मतलब 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश हर साल होती है, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। सागौन वनों की प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, सागौन इन वनों की जो मतलब इन जंगलों में, सागौन जो है मतलब इन जंगलों में प्रमुख प्रजाति है एक पेड़ों की। और बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत, ये सारे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। ये नाम आपने सुना होगा, चंदन और ये शहतूत वगैरह का, बांस, शीशम, ये सारे जो है पर्णपाती वनों में ये पेड़ पाए जाते हैं। आगे अब बात की जाए शुष्क पर्णपाती वनों की। आपने देखा काफी आसान था, छोटा सा 3 पॉइंट बस आपको याद करने थे आर्द्र के। अब शुष्क के आप देख लीजिए, इसका जो उल्टा था, शुष्क कहाँ पर होते हैं? जहाँ बारिश थोड़ी कम होगी, जैसे 70 से 100 सेंटीमीटर तक जहाँ बारिश होती है ये वहाँ पाए जाते हैं। और ऐसे इलाके कौन से हैं भारत में? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, प्रायद्वीपीय पठार है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, प्रायद्वीपीय पठार हमारा नीचे से त्रिकोण वाला जो भारत है, ट्राइंगल शेप जो बनती है, उस एरिया को प्रायद्वीपीय कहा जाता है, प्रायद्वीपीय एरिया, तो ये वहां पर पाए जाते हैं। और इन जंगलों में जो शुष्क पर्णपाती जंगल होते हैं, वन होते हैं, जो फेमस जो पेड़ हैं वो हैं सागौन, पीपल, नीम, ये यहाँ के फेमस जो हैं वो पेड़ हैं। और इन जंगलों में जो प्रमुख जानवर हैं वो हैं शेर, सिंह, सुअर, हिरण, हाथी, सांप और कछुए। समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रकार है जो जंगलों का वो है कटीले वन तथा झाड़ियाँ, कांटे वाले झाड़ियाँ। आप देख रहे हैं जब हमने शुरू किया था तो बिल्कुल ऐसे इलाके थे जहाँ बारिश बहुत होती है, फिर धीरे 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 वो बारिश
का सेंटीमीटर कम होता गया। अब कटीले वन और झाड़ियाँ, ये ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं, गुजरात के बहुत सारे इलाके हैं। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ठीक है। और यहाँ इन जंगलों में क्या होता है, कांटेदार पेड़ होते हैं और कैक्टस जैसे झाड़ियाँ होती हैं यहाँ पर कांटेदार। और कहाँ है ऐसी जगह हमारे देश भारत में? गुजरात, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा, ठीक है। और यहाँ की जो पौधों की जो मेन प्रजातियाँ हैं, इन जंगल में जो पौधे पाए जाते हैं वो हैं अकाशिया, खजूर, नागफनी, ये पौधे होते हैं। पेड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो कटीले हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं के बारे में। और पत्तियों का आकार छोटा होता है, ठीक है, इन जंगलों के अंदर जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं पौधों की वो काफ़ी छोटी होती हैं। और इन जंगलों में चूहे भी होते हैं, खरगोश होते हैं, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट, ये जानवर हैं जो इन कांटे वाले जंगलों में पाए जाते हैं। अब कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं इनकी फोटो। और आगे बढ़ते हैं, अब जो अगला प्रकार है जो जंगलों का, वनों का, वो है पर्वतीय वन। नाम से पता चल रहा होगा जो पर्वत पे होते हैं, जो हमारे पहाड़ों पे जो जंगल होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर आता है। जैसे हम पहाड़ के जब बिल्कुल नीचे होते हैं तो वहाँ अलग प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, पहाड़ के थोड़े ऊपर चढ़ेंगे तो थोड़ा चेंज आएगा, जब पहाड़ के थोड़े और ऊपर जाएंगे तो पेड़ पौधों में और चेंज आएगा। तो जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा, ऊंचाई के साथ जब हम ऊंचे और जाते जाएंगे तो वहाँ के पेड़ पौधे भी बदलते जाएंगे, ठीक है। जैसे 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक जब हम जाते हैं तो वहाँ पर कैसे पाए जाते हैं जो जंगल हैं, उनको कहा जाता है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ये 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनके अंदर जो पेड़ होते हैं चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, जैसे ओक का पेड़, ठीक है, ओक का पेड़ होता है, और चेस्टनेट का पेड़, ठीक है। और अब बात की जाए थोड़ा और ऊपर जब हम जाते हैं, 1500 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर जब हम चढ़ते हैं तो हमें शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी, जैसे चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़, सिल्वर फर, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये वन जो हैं, ये जंगल जो हैं, हिमालय की दक्षिणी ढाल पर पाए जाते हैं हमारे भारत देश की बात की जाए तो, और उत्तर पूर्व भारत के जो बहुत ऊंचे ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। जब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं और जो घास के मैदान होते हैं उनकी जगह कौन ले लेता है? अल्पाइन वनस्पति, अल्पाइन नाम के पेड़ पौधे जगह ले लेते हैं किसकी? शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय जंगल नाम की चीज खत्म हो जाती है ऊपर जाके और शुरू होता है अल्पाइन वनस्पति। अब आप देख सकते हैं पेड़ पौधे जो पहाड़ों में होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, आप देख सकते हैं, आपको मैं हर जंगल का एक फोटो दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप समझ में आ जाएगा आपको। अब आगे है, इन्हीं पर्वतीय वनों में जब हम ऊपर अल्पाइन के वहाँ पर एरिया में पहुँच जाते हैं, वहाँ कैसे पेड़ पाए जाते हैं? सिल्वर फर, जूनीपर, पाइन और बर्च, ये मुख्य पेड़ है वहाँ के। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नाम याद करने में पहली बारी में कठिनाई होगी, 2 से 3 बार में आपको याद हो जाएंगे। जैसे जैसे हम हिमरेखा के पास पहुँचते हैं जहाँ बर्फ होती है ऊँचाई पर, इन वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है। ये पेड़ ऊपर पहुंचते 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 इनका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, अंत में ये झाड़ियों के रूप में बदल जाते हैं और अल्पाइन घास के मैदानों में जाकर ये मिल जाते हैं, घास के मैदान में जाके मिल जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ नीचे से शुरू होते हैं, ऊपर पहुंचते पहुंचते झाड़ियों के रूप में बदल जाते हैं। गुज्जर तथा बकरवाल जो जातियाँ होती हैं, ठीक है, जो चरवाहे होते हैं वो इनका प्रयोग करती हैं इन इलाकों का, अपने पशुओं को चराने ले जाती हैं। और ये जो जंगल होते हैं पहाड़ों वाले, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? कश्मीरी महामृग पाया जाता है, चित्रा हिरण पाया जाता है, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारासिंगा, हिम तेंदुआ, रींच, लाल पांडा और बकरी, ये कुछ जानवर थे जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब लास्ट जो है आपका जंगल का प्रकार वो है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हमारा दो तरफ तट है हमारे भारत में, पूर्वी तट, पश्चिम तट, और यहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं पानी वाले इलाकों के आसपास।
और जहाँ ज्वार भाटा आता रहता है। ये एक प्रकार की वनस्पति है जिसके पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं पानी में डूबी रहती हैं। आपको फोटो दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये पेड़ पौधे हैं और इनकी जो जड़ें हैं वो कहाँ डूबी हुई हैं, पानी में डूबी हुई हैं। और ये कौन सा जंगल है? मैंग्रोव वन, ठीक है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियों के नाम हैं। इनके जो डेल्टा क्षेत्र है जहाँ ये नदियाँ जाकर ख़त्म होती हैं, वहाँ पर ऐसे जंगल बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी विशेषता, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वन जो है, सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ियाँ मिलती हैं। और नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार, ये कुछ मुख्य पेड़ हैं जो इन जंगलों में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। नारियल, ताड़, क्योड़ा और एंगार। और इस क्षेत्र का जो मेन जानवर है इस मैंग्रोव जंगल का, वो है रॉयल बंगाल टाइगर, आपने सुना होगा। और इसके अलावा मगरमच्छ भी होते हैं यहाँ पर, कछुए भी होते हैं, घड़ियाल भी होते हैं और सांप भी होते हैं। तो ये कुछ जानवर थे और काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको इसकी विशेषताएं बता दी हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।